हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, आपका फिर से एक बार वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो वीएमवेयर की टेक्नोलॉजी है, राइट? आपको पता चल ही गया होगा कि हम इसमें माइग्रेशन की बात करने वाले हैं, जिसको आप वी मोशन कहते हैं या एस वी मोशन कहते हैं। तो कोशिश करते हैं समझने की एग्जैक्टली होता क्या है, बैकएंड के केस में या स्टेप क्या इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी वर्चुअल मशीन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ले जाने के लिए, या एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में ले जाने के लिए वो प्रोसीजर क्या होता है, वो स्टेप कौन से हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं डायरेक्टली अपने वी सेंटर सर्वर के ऊपर। और एक चीज़ और हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि जो अपना ESXi वर्जन है, इसमें हम लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ESXi 6.7। तो ये जो इंटायर हमारा प्रैक्टिकल होगा, ये पूरी की पूरी जो वीडियो बेस्ड है वो हमारी ESXi 6.7 के वर्जन पे है। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। पहले कोशिश करते हैं समझने की वी मोशन और एस वी मोशन, मीन्स टाइप्स ऑफ माइग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल देखते हैं। बट उसके पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं या रैंडमली ये वीडियो आपको दिखाई पड़ गई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलती है डिफरेंट तरीके की वीडियोज, लाइक एज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की वीडियो, AWS, Azure, Google Cloud, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअलाइजेशन। मीन्स एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी का पैकेज है आपके टीच मी क्लाउड के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी विद 100% लाइव प्रैक्टिकल के साथ वीडियोज अवेलेबल है, राइट? तो प्रोसीड करते हैं प्रैक्टिकल, समझने की कोशिश करते हैं कि माइग्रेशन है क्या। तो बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज में बात करें, नॉर्मल सी लैंग्वेज में बेसिक सी लैंग्वेज में बात करें तो एक छोटा एग्जांपल मान लीजिए, आपके इन्वायरमेंट में दो ESXi होस्ट लगे, राइट? और ये दो ESXi किसी दो डिफरेंट शेयर स्टोरेज से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके पास ये शेयर स्टोरेज हो गया, सैन हो गया, दो डेटा सेंटर आपने लगा रखे हैं और दो डिफरेंट ESXi आपके इन्वायरमेंट में रन कर रहे हैं, राइट? और बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये अगर हम फिजिकल नेटवर्क की बात करें तो ये अपने पास स्विच हो गई, ठीक है ना? मेट में हम एक स्विच लगा लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ये फिजिकल स्विच है। और आपकी जो कनेक्टिविटी है ना, आप अपने ESXi 1 से भी कनेक्टेड है, ESXi 2 भी कनेक्टेड है, डेटा सेंटर जो है हमारे स्विच से कोऑर्डिनेट कर रहा है, और साथ ही साथ आपके ESXi से भी ये जुड़ा हुआ है, राइट? कुछ ऐसा अपना इन्वायरमेंट सेटअप है। मान लेते हैं ये अपने पास जो जो डिवाइस है, बेसिकली जो मेट में मीडिएटर की तरह काम कर रही है, वो अपनी स्विच है, राइट? और ये अपना ESXi होस्ट 1 की बात कर लेते हैं, और ये अपने पास ESXi होस्ट 2, राइट? बोथ ESXi कनेक्टेड टू ईच अदर, बोथ ESXi जो है आपस में पिंग कर रही है, साथ ही साथ ये जो डेटा सेंटर है, दो शेयर स्टोरेज हमने लगा रखे हैं, ये आपका शेयर 1 की बात कर लेते हैं, शेयर स्टोरेज 1, और ये आपके पास शेयर स्टोरेज 2, ठीक है? ये दोनों ही डेटा सेंटर आपकी ESXi से कनेक्टेड है, मीन्स एक ESXi में दोनों, ESXi 1 में शेयर 1 शेयर 2 का कनेक्शन, ESXi 2 में शेयर 1 और शेयर 2 का कनेक्शन लगा है, ठीक है? कोशिश करते हैं समझने की वी मोशन है क्या बेसिकली, और कितने तरीके का माइग्रेशन हो सकता है, कितने तरीके के माइग्रेशन सर्विस आप देखोगे पोर्टल के ऊपर। तो एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, ठीक है? ESXi 1 में आपने एक VM क्रिएट कर रखा है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, जाहिर सी बात है ESXi में हम अपनी VMs को क्रिएट करते हैं, उसमें रखते हैं। बट जो इसकी फाइलें रहती हैं, जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फाइल्स क्रिएट होती हैं। VMDK फाइल्स बनती है, .vmx फाइल बनती है, .logs फाइल बनती है, राइट? स्नैपशॉट की फाइलें बनती हैं। मींस जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ESXi के अंदर, उसको आप स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टोरेज में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो जो वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर रखी है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास VM है, और ये VM की जो फाइल्स है ना, वो फाइल्स आपकी शेयर स्टोरेज 1 में अवेलेबल है। मान लेते हैं ये फोल्डर के अंदर आपका एक इस डेटा सेंटर के अंदर एक फोल्डर बना है, जिस फोल्डर के अंदर इस वर्चुअल मशीन की पूरी इंफॉर्मेशन है, जो भी इसकी फाइलें बनी है वो सभी यहाँ पे स्टोर की हुई, राइट? अब बात आती है माइग्रेशन की। तो जब आप अपने वर्चुअल मशीन को, मान लीजिए ये आपकी VM ESXi 1 पे है और आप इसको प्लान कर रहे हो माइग्रेट करने के लिए, थोड़ा सा स्टेप और देख लेते हैं कितने तरीके का माइग्रेशन होता है। तो एक होता है होस्ट ओनली, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डेटा स्टोर ओनली, ठीक है, और थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड में आता है बोथ, ठीक है, होस्ट ओनली, डेटा स्टोर ओनली, और आपके पास आता है थर्ड जिसमें बोथ। होस्ट ओनली को बोला जाता है, होस्ट ओनली को आप बोल सकते हो कि ये आपका वी मोशन, ठीक है ना? जो वी मोशन की बात करते हैं वो होस्ट ओनली कहलाता है। जब आप अपने ESXi के VM को दूसरे ESXi पे मूव करते हैं तो वो आपका वी मोशन कहलाता है।
जब आप डेटा सेंटर ओनली को कॉन्फिगर करते हैं तो डेटा सेंटर ओनली के केस में ये क्या कहलाता है, एस वी मोशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस वी मोशन। तो एज पर द नेम एस वी मोशन इन द सेंस कि स्टोरेज वी मोशन आप बोल सकते हो, राइट। स्टोरेज वी मोशन के केस में आपका क्या होता है, डेटा सेंटर को आप माइग्रेट कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं एक ESXi सॉरी एक जो फाइलें आपकी रखी है आपका शेयर वन पे, उस शेयर टू को आप माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेशन अगर हम बात करें बी सेंटर सर्वर की हेल्प से तो तीन है, होस्ट ओनली, डेटा स्टोर ओनली और बोथ। समझने की कोशिश करते हैं वी मोशन क्या कहलाता है या होस्ट ओनली क्या कहलाता है। होस्ट ओनली के केस में अपने पास ओके, अगर हम वी मोशन की बात करें, वी मोशन इन द सेंस होस्ट ओनली। होस्ट ओनली का मतलब ये है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है, जो VM आपकी ESXi 1 पे है, मान लीजिए ये ESXi 1 है, आप इस ESXi 1 से जो वर्चुअल मशीन है इसको आप माइग्रेट करके कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, ESXi 2 पे। ठीक है, ध्यान रखना डेटा सेंटर अभी भी वहीं पे है, फोल्डर उसका वहीं पे, शेयर स्टोरेज 1 पे, सिर्फ आपने वर्चुअल मशीन को माइग्रेट किया। तो जब आप VM को एक ESXi से दूसरे ESXi में ले जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं वी मोशन। राइट, क्लियर है। ठीक है, सेकंड अगर हम डेटा स्टोर की बात करें, डेटा स्टोर ओनली को हम बोलते हैं एस वी मोशन। तो एस वी मोशन इन द सेंस स्टोरेज वी मोशन। अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप ये वर्चुअल मशीन सेम लोकेशन पे रखना चाहते हैं, आपकी VM यहीं पे रहेगी, बट यू वांट टू माइग्रेट योर डेटा सेंटर। तो जो डेटा सेंटर आपके पास है यहाँ पे, VM की लोकेशन ESXi होस्ट 1 पे, बट आप डेटा सेंटर चेंज करना चाहते हैं किसी भी रीजन से, इसमें स्पेस नहीं है या फिर लोड इसकी स्पेस बता रहा है, इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आपने क्या प्लान किया कि इस डेटा सेंटर को ही मूव कर देते हैं, जो वर्चुअल मशीन की फोल्डर है, जो वर्चुअल मशीन की फाइल है वो मूव कर देते हैं दूसरे डेटा सेंटर पे, क्योंकि दूसरे डेटा सेंटर पे स्पेस अच्छा अवेलेबल है। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस वी मोशन, जिसके इसमें आप क्या करते हो, डेटा सेंटर को मूव करते हो, वर्चुअल मशीन अभी भी वही ESXi होस्ट पे अवेलेबल है, राइट, लेकिन उसकी जो फाइलें हैं, जो उस जो फोल्डर क्रिएट हुआ है, उस फोल्डर को आपने दूसरे डेटा सेंटर पे माइग्रेट कर लिया। और लास्ट अगर बोथ की बात करें, तो आपने क्या प्लान किया है कि आप डेटा सेंटर भी मूव करेंगे और साथ ही साथ वर्चुअल मशीन की लोकेशन, जो इन्वेंट्री है, वो लोकेशन भी आप माइग्रेट करेंगे। मींस आप इस VM को, वर्चुअल मशीन को आप उठा करके ESXi 1 से ESXi 2 में माइग्रेट कर दिया, और जो डेटा सेंटर की फाइलें थी वो आपने शेयर स्टोरेज 1 से उठाकर शेयर स्टोरेज 2 में कर दिया। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास वी मोशन का और एस वी मोशन का। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी थियोरेटिकल पार्ट में। अब चलते हैं हम अपने पोर्टल की तरफ, अपने इन्वेंट्री की तरफ, वी सेंटर लॉगिन करते हैं और आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं लाइव की कैसे ये प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखना ये जो पूरा इन्वायरमेंट हमारा रन कर रहा है वो जो ESXi वर्जन है वो 6.7 है। ठीक है, वेब क्लाइंट के थ्रू हम इसको सबको कॉन्फिगर करने वाले हैं, वेब अप्लायंस के थ्रू। हमने यहाँ पे अपना सेटअप ओपन कर रखा है, दिस इज आवर वी सेंटर सर्वर, ये अपने पास वी सेंटर सर्वर इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम अपने वी सेंटर सर्वर को ओपन करते हैं और चेक करते हैं हमारा सेटअप कैसा है। तो अब देखो यहाँ पे होस्ट एंड क्लस्टर, जाहिर सी बात है हमें होस्ट एंड क्लस्टर में जाना पड़ेगा। वी सेंटर लॉगिन करने के बाद आप होस्ट एंड क्लस्टर पे क्लिक करेंगे, तो ये अभी बेसिकली रेप्लिका बना है दो वी सेंटर के बीच में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले वाले वी सेंटर पे क्लिक करते हैं जो अपने पास है VCSA01A। इसके अंदर ट्रेनिंग के नाम से डेटा सेंटर बना रखा है और क्लस्टर बना है हमारा क्लास क्लस्टर के नाम से, राइट। और उस क्लस्टर के अंदर दो ESXi और चार वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं, ESXi 01A, ESXi 02। ये अपने पास होस्ट की डिटेल हो गई। और वर्चुअल मशीन में बात करें तो दो वर्चुअल App01, Core01A, KMS एंड Template01, ये चार VMs अवेलेबल हैं, राइट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कौन सी वर्चुअल मशीन कहाँ पे रन कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ESXi पे क्लिक करेंगे, 01 पे हमने क्लिक किया, ESXi 01 पे क्लिक किया और यहाँ पे VMs पे क्लिक कर दिया। जब आप VMs पे क्लिक किए तो ESXi 1 पे 1 के अंदर जो है App01A और अपने पास Template01A, ये दो मशीनें रन कर रही है ESXi 1 पे। ESXi 2 पे आप क्लिक करो और वर्चुअल मशीन पे सेलेक्ट करो Core01A, KMS01A। ठीक है, ये आपकी VMs रन कर रही है कहाँ पे, ESXi 2 पे। एज पर द प्लान जो हमने एजेंडा डिसाइड किया है कि हम इसमें वी मोशन कॉन्फिगर करने वाले हैं या एस वी मोशन कॉन्फिगर करने वाले हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, इस वर्चुअल मशीन को या कोई से भी VM को हम चाहते हैं ऐप वन जो है इसको माइग्रेट करें, क्योंकि अभी ये कहाँ पे अवेलेबल है, ESXi 1 पे अवेलेबल है, ESXi 01A पे अवेलेबल है, हम इसको माइग्रेट करना चाहते हैं। आप देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ESX01A core.local एंड वी आर प्लानिंग टू माइग्रेट इट एंड पुट इट इन टू द ESXi 02A core.local, राइट। दिस इज आर एजेंडा।
सो व्हाट वी नीड टू डू, आप राइट क्लिक करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर, जो भी वर्चुअल मशीन आप प्लान कर रहे हो माइग्रेट करने के लिए, या वी मोशन या एस वी मोशन कॉन्फिगर करने के लिए, राइट। अब आप देखें तो यहाँ पे ओपन कंसोल के जस्ट नीचे माइग्रेशन का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन द माइग्रेशन। एंड माइग्रेशन पे क्लिक करने के बाद यह अपने पास तीन तरीके का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जो हमने पहले डिस्कस किया है, जैसे कि अपने ठीक है एजेंडे में हमने बात की थी कि वी मोशन और एस वी मोशन। तो यहाँ पे आप देखो जो चेंज कंप्यूटर रिसोर्स ओनली, तो यहाँ पे रिसोर्स ओनली इन द सेंस कि रिसोर्स किसका इस्तेमाल कर रहा है, ESXi होस्ट का रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है। आप रिसोर्स बदलना चाहते हैं क्योंकि आपका जो ESXi है उसके पास रिसोर्स की कमी है, हो सकता है रैम की कमी है, हो सकता है CPU ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो आप रिसोर्स चेंज की बात करते हो, मतलब आप होस्ट बदलना चाहते हो। आप यहाँ पे देखो ना, माइग्रेट द वर्चुअल मशीन टू अनदर होस्ट आर क्लस्टर, ठीक है क्लस्टर जाहिर सी बात है क्लस्टर के अंदर आपकी ESXi रहती हैं, और ESXi को भी हम ESXi को ही हम होस्ट बोलते हैं, राइट। तो पहले ऑप्शन में क्या करोगे आप, ESXi चेंज करोगे, रिसोर्स चेंज करोगे, वर्चुअल मशीन का जो डेटा सेंटर रहेगा, जो डेटा बेस रहेगा, वो एज इट इज वहीं पे बना रहेगा। सेकंड है चेंज स्टोरेज ओनली। तो चेंज स्टोरेज ओनली के केस में क्या है कि आपकी वर्चुअल मशीन उसी ESXi पे रन करेगी, बट जो बैकेंड में डेटा है, जो आपका फोल्डर बना है किसी डेटा सेंटर के ऊपर, वो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, दूसरे डेटा सेंटर पर ले जाना चाहते हैं, ताकि उस वर्चुअल मशीन को स्टोरेज प्रोवाइड की जा सके। थर्ड, इसमें हम दोनों करेंगे, मीन्स वर्चुअल मशीन भी आप ले जा रहे हो, रिसोर्स भी आप चेंज करोगे, साथ ही साथ आप उसके अंदर जो हार्ड डिस्क अटैच है ना, या जो डेटाबेस जहाँ पे उस जो उस मशीन की जो फोल्डर्स रखे ना, उनको भी आप बदलना चाहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन है जिसके बारे में हमने MS Paint पे देखा था, राइट। पहला प्रैक्टिकल देखते हैं, यहाँ पे चेंज होस्ट ओनली की बात करते हैं, यहाँ पे चेंज रिसोर्स ओनली की बात करते हैं। सेलेक्ट किया हमने, नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद अपने पास दोनों ESXi की डिटेल्स यहाँ पे आ गई। राइट नाउ अभी जो हमारी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, अपनी जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है ESXi 1 पे रन कर रही है, हम इसको 2 पे ले जाना चाहते हैं, राइट। तो आप 2 का सिलेक्शन करेंगे, 2 का सिलेक्शन करेंगे और आप करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी सी वार्निंग दे रहा है क्योंकि स्टोरेज का इशू हो सकता है, वो हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे अगेन, ठीक है। आप स्केड्यूल कर सकते हैं, आप वी मोशन स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं, आप लाइव भी कर सकते हैं। तो हम अभी लाइव माइग्रेट करना चाहते हैं, ऑन द सेम टाइम माइग्रेट करना चाहते हैं, तो जस्ट क्लिक फिनिश। अब आपका ये 20% 70-99% कंप्लीटेड, ठीक है। अब आपके पास ESXi 1 के अंदर सिर्फ एक VM बचेगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्पलेट 01A के नाम से एक वर्चुअल मशीन केवल अवेलेबल है, लेकिन अगर यहीं पे ESXi 2 पे जाएं, राइट, तो ESXi 2 के ऊपर 3 वर्चुअल मशीन रन कर रही है, 2 पहले से थी, एक वर्चुअल मशीन आपने माइग्रेट करके अपने ESXi 1 से ESXi 2 पे मूव करा दी। तो ये हुआ बेसिकली जो टास्क, वो वी मोशन कहलाया, राइट। यहीं पे अगर आप एस वी मोशन की बात करते हैं, तो एस वी मोशन के केस में क्या होगा, आप डेटा सेंटर मूव करेंगे, आप डेटा सेंटर को माइग्रेट करेंगे। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, वी मोशन आप यहाँ से देखिए, एस वी मोशन आप ट्राई करके देखिए, लेकिन एस वी मोशन कॉन्फिगर करने से पहले कंफर्म कर लेना कि आपकी जो ESXi है कम से कम 2 डेटा स्टोरेज से कनेक्ट होनी चाहिए, राइट। मिनिमम 2 डेटा स्टोरेज आपके एनवायरमेंट में जुड़ा होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, राइट। आप ये ट्राई करें और हमें बताएं कि ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं, विल ट्राई टू हेल्प यू अगेन, ठीक है। अभी के लिए इतना, उम्मीद है आपको वी मोशन की चीज़ें समझ में आ गई होगी, वी मोशन काम कैसे करता है, या फिर आप माइग्रेशन कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट सून विद न्यू वीडियो विद न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, टेक केयर।